नमस्कार दोस्तों, मेरी यमी रसोई में आपका स्वागत है। आज दीपावली के मौके पर हम बहुत ही सिंपल और थोड़ा सा डिज़ाइन में मठरी बनाना शेयर कर रहे हैं, चाशनी वाली, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मठरी के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार करते हैं। एक कटोरी हमने शक्कर लिया है और हाफ कटोरी से कम पानी ऐड करके ऐसे गाढ़ा सा चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल चिपचिपा, एक तार से भी थोड़ा और डेढ़ तार के करीब, तो लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे इसे बनाते हैं। पानी हमने कम डाला है इसलिए चाशनी हमारा जल्दी बन जाएगा। 5-6 बूंद हम इसमें नींबू का डालेंगे ताकि हमारा चाशनी जमे नहीं। लगातार चलाते हुए इसे पकाते हैं, हाई फ्लेम को लो कर देते हैं और हाफ टी स्पून हम इलायची पाउडर ऐड करते हैं, इससे इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। इसमें थोड़ा सा कलर आए इसके लिए हम हाफ पिंच के करीब ऑरेंज कलर ऐड करते हैं। देखिए इसका कलर थोड़ा ऑरेंज से आ गया है, तो थोड़ा चाशनी डालने में मठरी के ऊपर अच्छा लगेगा। आपके पास अगर कलर हो और आप ऐड करना चाहते हो तो इसे ज़रूर करें। और बस देखिए इसे लगातार चलाते हुए एक बढ़िया सा चिपचिपा चाशनी बनाना है। ये चाशनी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मठरी के लिए मैदा का डो तैयार करते हैं। मैदा हमने 150 ग्राम की मात्रा में लिया है। इसमें अच्छा सा मोयन डालते हैं, बहुत ही कम मात्रा में है इसलिए 2 टीस्पून के करीब हम मोयन डाले हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक कड़क सा डो तैयार करते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक कड़क सा डो तैयार करते हैं। देखिए इस तरह का हमें डो तैयार करना है, गीला तैयार नहीं करना है बहुत ज़्यादा, इस तरह का थोड़ा सा कड़ा डो तैयार करना है। इसे थोड़ा देर हमें 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। अब हमारा 10 मिनट हो गया है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। हमें एक पतली सी रोटी तैयार करनी है। गोला बनाते हैं, और इसे बेलते हैं और पतला सा एक रोटी बनाते हैं। गोल होना जरूरी नहीं है, किसी भी तरह से इसे बना देना है, एक बार बेल देना है। हम इसे लंबा साइज में ले लेते हैं और डिजाइनर कटर है ये, स्टार टाइप से इससे हम कट कर रहे हैं। आपके पास अगर कटर नहीं आता आप कटोरी से भी कट करके और उसे पैच करके इसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। और अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी हमें डालना है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल लगाते हैं इसके ऊपर और फिर एक दूसरे के ऊपर इसे पैच करते हैं। तो इस तरह से पैच करते हैं, एक कोने से दूसरे कोने से अलग करते हुए पैच करके 5-6 स्टार एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। देखिए हमने इस तरह से रख दिया है और एक लॉन्ग से इसे पैच करते हैं जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और ये पैच भी हो जाएगा। इस तरह से पैच करते हैं, ये फूल के जैसा बन गया है और सारे इसी तरह से बना लेते हैं। अब कढ़ाई में हम घी या तेल गर्म करते हैं और हाई फ्लेम पे गर्म करके लो फ्लेम पे हमें इस मठरी को तलना है, एकदम करारा होने तक, क्रिस्पी होने तक। देखिए घी हमारा बहुत ही कम गर्म है। अब इसमें हम धीमी आंच पे इसे तल के निकालेंगे, 2-4 मिनट का टाइम लगेगा और बढ़िया क्रिस्पी मठरी हमारा तैयार होगा।
थोड़ा सा हाई और थोड़ा सा लो करते हुए आप मटरी को तल के निकालिए। अब ये देखिए मटरी हमारा तैयार हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे तल के निकाल लेने हैं। अब जो हमारा चाशनी तैयार था उसमें हम इस मटरी को ऐड करेंगे और थोड़ा सा हिलाते हुए चम्मच से फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। भी ऑरेंज कलर का हमारा चाशनी है, इस वजह से मटरी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत बन गया है। इस तरह से इसे निकाल लेंगे